So with this background, I think we set the stage now for today's speech by Professor Jagdeep Chhokar. I request Professor Arun Kumar to please preside, chair the session, and make concluding remarks towards the end, and convene the way you would feel better. May I invite Professor Jagdeep Chhokar, please, to give his Jayaprakash Memorial Lecture. Thank you, Professor Yadav. इससे पहले कि मैं कुछ कहना शुरू करूं, मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते? कोई है जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानता? अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि इज देयर एनीबडी हियर हु डज नॉट नो एनी हिंदी एट ऑल? देयर इज वन एक्सपेक्टेड पर्सन दैट आई नो, एनीबडी एल्स? तो मैं आई विल स्पीक इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, प्रेडोमिनेंटली हिंदी, विद ड्यू अपोलॉजीज टू माय फ्रेंड हियर. जब मुझे आनंद भाई ने कहा कि मुझे आके यहाँ जयप्रकाश नारायण मेमोरियल लेक्चर देना चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी हैसियत जयप्रकाश नारायण मेमोरियल लेक्चर देने की नहीं है. वो सूरज को दिया दिखाना तो एक बात है, सूरज को दिया सलाई दिखाना दूसरी बात है, लेकिन मैं तो कहीं भी उससे नीचे हूं. लेकिन आनंद भाई ने फिर एक बड़ी गहरी बात की. इनकी आदत ही है, आप सब लोग इनको जानते हैं, ये बड़े हल्के तरीके से गहरी बात कह जाते हैं. कहने लगे कि उनका काम तो आगे आप लोग ही बढ़ा रहे हैं. तो मैंने सोचा ये डींगे मार रहे हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरे को हवा दे रहे हैं कि चलो बेटा चढ़दा बेटा सूली पे लेके मेरा नाम और बलि करेंगे राम. तो फिर मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये बिना मतलब की बात नहीं कहते, बड़े समझदार सज्जन हैं, समझदार भी हैं और सज्जन भी हैं. तो मुझे ये ख्याल आया कि जयप्रकाश नारायण ने 1974 में एक तारकुंडे कमेटी बनाई थी. हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 16 साल से इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म पे. ये आज की चर्चा का विषय है, काले धन की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक सुधार. काले धन की अर्थव्यवस्था पे तो अरुण कुमार जी बोलेंगे, उनके सामने काले धन पे मेरा बोलना वही है जैसे मैं जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में बोल रहा हूं. लेकिन मैं राजनीतिक सुधार पे जरा ज्यादा गौर करूंगा. तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 अगस्त में एक कमेटी बनाई, उसके अध्यक्ष थे जस्टिस वी एम तारकुंडे, उसके मेंबर थे मीनू मसानी, पी जी मावलंकर, आप लोगों को शायद याद होगा पी जी मावलंकर लोकसभा के स्पीकर थे, पहले स्पीकर, और उन्होंने बड़े 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 अच्छे ट्रेडिशन सेटअप किए. श्री ए जी नूरानी जो आज तक अखबारों में लिखते हैं, प्रोफेसर के डी देसाई एंड श्री ई पी डब्ल्यू डकोस्टा. इस कमेटी ने फरवरी 1975 में अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा थोड़ा सा. उसके बाद इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी में इस रिपोर्ट के बारे में कुछ ज्यादा चर्चा बातचीत एक्शन नहीं हो पाया. तो फिर जब इमरजेंसी खत्म हुई तो फिर सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा जयप्रकाश जी को कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म पे तो कमेटी हो गई थी, अब एक कमेटी होनी चाहिए इलेक्शन एक्सपेंस पे. तो फिर उन्होंने 1977 की 13 अगस्त को एक कमेटी बनाई इलेक्शन एक्सपेंस पे. उसमें तारकुंडे साहब थे, मसानी थे, मावलंकर थे, उसमें नूरानी और डकोस्टा नहीं थे, उनकी जगह सुरेंद्र मोहन जी को लिया गया, उनके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं मेरे ख्याल में, और प्रोफेसर के डी देसाई को. तो अनंत कुमार जी के मुझे ये काम बताने से एक फायदा हुआ कि हालांकि मैं ये काम 16 साल से कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तारकुंडे कमेटियां दो थी, मेरा ख्याल था एक ही थी. हालांकि ये किताबें जयप्रकाश जी की तो मुझे पढ़ने को अब दी गई हैं, ये भाषण देने के बाद मैं पढ़ूंगा, पहले दे देते तो शायद मुझे कुछ और पता लग जाता. लेकिन ये जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं मेरे जैसे, अरुण कुमार जी और आनंद कुमार जी जैसे, हम लोग सब लेट काम करते हैं. तो दो कमेटियां बनी,
उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस दी. अब उन पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में एक थोड़ा सा मैं आपको झलक बता देता हूं. एक रिकमेंडेशन तारकुंडे कमेटी जो पहले वाली थी उसकी ये थी कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति अभी जैसे हो रही है कि सरकार करती है ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, उसकी नियुक्ति करने के लिए कमेटी होनी चाहिए और उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी चर्चा हुई थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स का आर्टिकल था इट केम फॉर डिस्कशन ऑन 15 जून 1949. उसमें काफी ऑब्जेक्शन हुए कि ये सरकार सिर्फ अपॉइंट कर दे ये ठीक नहीं है और प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना ने एक अमेंडमेंट लाया. उसमें ये कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड बी कोर्ट सब्जेक्ट टू कॉन्फर्मेशन बाय ए 2/3 मेजॉरिटी इन ए जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर. ही आर्ग्यूड दैट द अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट वुड रियली मीन अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट अंडर द डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. और आप देखिए 15 जून 1949 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा गया, माना नहीं गया लेकिन अभी तक चल रहा है. रिप्लाइंग टू द डिबेट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड कोट विद रिगार्ड टू द क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटमेंट आई मस्ट कन्फेस दैट देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फोर्स इन व्हाट माय फ्रेंड प्रोफेसर सक्सेना हैज स्टेटेड दैट देयर इज नो यूज ऑफ मेकिंग द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ए फिक्स्ड एंड अ सिक्योर वन इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट आइदर ए फूल और ए नेव पर्सन और ए पर्सन हु इज लाइकली टू बी अंडर द थंब ऑफ द एग्जीक्यूटिव. अम्बेडकर जी ने भी इस बात को माना. My provision, and I must admit, does not contain anything to provide against nomination of an unfit person to the post of the Chief Election Commissioner or other election commissioners. So, ये चीजें नई नहीं हैं. हम लोग इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं पिछले 16 साल से और कम से कम 10 चीफ इलेक्शन कमिश्नर से डील कर चुके हैं. लेकिन ये जो उस वक्त अंदेशा एक्सप्रेस किया गया था अभी तक चालू है. द तारकुंडे कमेटीज रिपोर्ट अब आती है. तारकुंडे कमेटी जो जयप्रकाश जी ने बनाई थी सेड कोट एज इन द केस ऑफ जुडिशरी द इलेक्शन कमीशन मस्ट नॉट ओनली बी इंडिपेंडेंट इन थियरी बट ऑल्सो मैनिफेस्टली अपियर टू बी सो इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस. In recent years, an impression is gaining ground that the Election Commission is becoming less and less independent of the executive than in the earlier years of independence. Because of the choice of the Chief Election Commissioner has not always been based on the criteria which would command the confidence of all sections of public opinion. The practice of making it a berth for retiring government officials has perhaps been responsible for the feeling that the incumbent so benefited will be beholden to the government for his office. अब ये बात 1974 में तारकुंडे जी ने जयप्रकाश नारायण जी की सेटअप की गई कमेटी में कही और इससे बड़ी सच्चाई आज भी कोई नहीं है. इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं लेकिन कुछ लोग जो उनके काम को जरा ज्यादा नजदीक से देखते हैं उनको ये भी पता है कि कहां कहां को ढील ढाल होती है. तो जयप्रकाश नारायण जी ने इलेक्शन रिफॉर्म पे जोर दिया, ध्यान दिया, देश का और जनता का ध्यान उधर लाए गए. और अब आती है काले धन की बात. जो दूसरी तारकुंडे कमेटी थी उसकी भी एक दो बातें आपको बता दूं. एक तो उन्होंने दी कमेटी मेट, ये कमेटी की रिपोर्ट से मैं पढ़ रहा हूं. दी कमेटी मेट इन अहमदाबाद ऑन October 2, 1977 एंड फ्रेम्ड ए क्वेश्चनेयर अराइजिंग फ्रॉम इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस. दी क्वेश्चनेयर वॉज सेंट टू मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर्स, पार्टी लीडर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, एकेडमिशियंस
and noted voluntary organizations. The response to the questionnaire was rather disappointing. तो ये जो उदासीनता है, apathy है political activity के बारे में, ये नई नहीं है. JNU तो खैर अलग जगह है जहां के ये सब चीजें नहीं है. यहां तो political activity बहुत होती है, कुछ लोग तो कहते हैं जरूरत से ज्यादा होती है. इसलिए यहां ये अप्लाई नहीं करता, लेकिन ज्यादातर देश में ये अप्लाई करता है. इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी उनमें एक रिकमेंडेशन ये थी, ऑल पार्टी शुड बी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप अकाउंट्स ड्यूली ऑडिटेड एंड ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन. कल शाम को मैं एक NDTV की डिबेट में हिस्सा ले रहा था, जो आज रात को 8 बजे दिखाई जाएगी. थोड़ी सी अपनी पब्लिसिटी भी कर दूं. उसमें जो हमारे देश की सबसे लेटेस्ट पार्टी है और जिसकी पारदर्शिता के नाम पे जन्म हुआ था, उसके नेशनल ट्रेजरर ने कहा कि हम अपनी पार्टी के सारे अकाउंट वेबसाइट पर रखते थे. फिर हमें पता लगा कि सरकार हमें जो लोग चंदा देते हैं उनको तंग कर रही है, इसलिए उन लोगों की जान बचाने के लिए हमने वो इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट से उतार ली. तो जब और हम उसको किसी को भी ऑडिटर को दिखाने को तैयार हैं, जो जानना चाहे उसको दिखा देंगे. तो किसी ने कहा भाई हम ही दिखा दो, कहने लगे जब आप कहेंगे तब दिखा देंगे. लेकिन ये 1975 में कहा गया था कि अकाउंट शुड बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन. आज की तारीख में जब हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी कहते हैं कि जनता जनार्दन तो अगर 2.5 लाख से ज्यादा रुपए जमा करेगी अपने पुराने नोट में तो उनसे जरूरी पूछताछ की जाएगी, और 2.5 लाख से कम भी करेगी तो पूछताछ हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को कोई पूछताछ नहीं होगी, वो जितने मर्जी पैसे जमा करें. तो ये देखिए, ये जयप्रकाश नारायण की दूरदर्शिता, जस्टिस तारकुंडे और उनके कमेटी मेंबर्स की दूरदर्शिता की से आज भी हमें सीखने को मिलता है. तो ये तो हो गई बात तारकुंडे कमेटी की. उसके बाद से राजनीतिक सुधार का जो सिलसिला है वो चलता आया. उस सिलसिले के बारे में मैं आपको एक और बात पढ़ के सुनाता हूं. ये पहले सुन लीजिए, फिर पता करेंगे किसने लिखा क्या कहा. लीविंग नाउ आवर लॉरल्स अलोन, इट बिकम्स इम्पेरेटिव टू टेक स्टॉक ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स विच कॉजेज कंसर्न एंड एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द लूमिंग डेंजर threatening to cut at the very root of free and fair elections. The role of money and muscle powers at elections, deflecting seriously the well-accepted democratic values and ethos and corrupting the process, rapid criminalization of politics, greatly encouraging evils of booth capturing, rigging, violence, etc., misuse of official machinery, that is official media and ministerial, increasing menace of participation of non-serious candidates form the core of our electoral problems. Urgent corrective measures are the need of the hour, lest the system itself should collapse. Electoral reforms are correctly understood to be a continuous process, but attempts so far made in this area did not touch even the fringe of the problem. They appear to be abortive. Some of the recent measures, like reduction of voting age and anti-defection law, are no doubt laudable. I will speak a little bit about the anti-defection law in a minute. Some of the recent measures, like reduction of voting age and anti-defection law, are no doubt laudable, and the basic principles underlying these measures should be appreciated. But there are other vital and important areas in election field completely neglected and left high and dry. अंदाजा लगाइए ये कब कहा गया होगा. वन और टू गैसेस जी. ये मैं इसलिए पूछता हूं सवाल कि ये पता करने के लिए लोग सुन रहे हैं कि नहीं. तो ये कब कहा गया होगा. 70s में 80s में
और बताइए, ये वैसे कहा गया था 1990 में गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट में, उन्होंने ये भी कहा था ऑल दीज फोर डेकेड्स स्पेशली आफ्टर 1967 द डिमांड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैज बीन माउंटिंग अप। अब 67 से जोड़ लीजिए 2016 तक कितने साल हो गए, एंड वेयर आर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आई विल टेल यू दैट नाउ। इलेक्टोरल रिफॉर्म में कमेटियां तो बहुत है, उनका जिक्र नहीं करते। ये बात है अप्रैल 2012 की, ये सुनिए। हेंस अलाउ मी सर टू प्लेस बिफोर यू द कमीशन्स डीप डिसअपॉइंटमेंट ओवर द फैक्ट दैट ए नेसेसरी लेजिस्लेशन इन रिगार्ड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स is yet to be materialized despite an assurance given to us by the Honorable Minister of Law and Justice. However, the quality of our elections often gets questioned on account of certain weaknesses in our electoral process. Commission's reform proposals have always aimed at addressing this predicament. Though certain minor reforms have been adopted by the government and parliament, the substantial ones have been actually left out, allowing allegations that politicians are not keen about the reforms because of their vested interests. I would like to bring to your kind notice that some proposals which are of a technical nature and require only amendment of rules within the competence of the Ministry of Law and Justice have been pending for a long time. These raise questions about the lack of political will which cause us deep distress. This is the Chief Election Commissioner who was demitting office in June 2012. He wrote this letter to the Prime Minister. अब ये हालत है, इसके बारे में क्या किया जा सकता है? दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि the content of electoral reforms, what is it that needs to be done? There are thousands of suggestions about this. But जो main मुद्दे उसमें हैं, पहली बात तो यह है कि हाउ रिप्रेजेंटेटिव इज आवर इलेक्टोरल सिस्टम। आप देख रहे हैं कि ये जो करंट पार्लियामेंट है और एक पार्टी मेजोरिटी में है, उसको कितने परसेंट वोट मिले थे? हैं? हाँ, ये तो यहां पता होना चाहिए, जेएनयू है 31%। तो हाउ कैन ए पार्टी विच गेट 31% ऑफ वोट्स एंड अप गेटिंग 278 और 282 सीट्स? This is a result of the system that we have, which is called the first past the post system. Or seat vote ya vote seat relationship gets distorted. Hota kya hai? Aap andaza lagaiye ki ek constituency mein 100 registered voter hai. Voting percentage kitni hoti hai? 60 laga lo. तो 100 में से 60 लोगों ने वोट दिया, और अगर 10 कैंडिडेट हैं और लॉटरी निकाल के वोट दे रहे हैं, सब रैंडम नंबर जनरेशन तो सभी जानते हैं यहां, तो हर कैंडिडेट को 6-6 वोट मिलेंगे। जिसको 7 मिले क्या हुआ? उसका जीत गया। सो 60 वोटरों में से 7 वोट मिले, कितने परसेंट हुए? 11% of the votes cast and the registered voters 7%. This is an extreme example, but it illustrates how unrepresentative can our electoral system be. Iska ilaaj kya hai? Kuch log kehte hain ki proportional representation system ho jana chahiye. Yahan to sab zyadatar isme mahir hain. सवाल यह है कि जब हम यही फैसला नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट में कौन सा बिल सेक्शन 129 के अंडर डिस्कस हो और कौन सा 131 के अंडर डिस्कस हो, तो हम ये कैसे फैसला करेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में 5% होना चाहिए कि 7% होना चाहिए? सो कहने का मतलब यह है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या इलेक्टोरल सिस्टम को बदलना एक बात है,
लेकिन ये इंश्योर करना कि बदला हुआ सिस्टम ठीक काम करेगा वो दूसरी बात है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्कॉलर है ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने दो किताबें लिखी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, एक का नाम है द मेकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन और फिर 10 साल बाद उन्होंने लिखी द वर्किंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो दूसरी किताब है द वर्किंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, उसके प्रेफेस में उन्होंने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशंस डू नॉट वर्क। थैंक यू सर। दे आर इनर्ट डॉक्यूमेंट्स, दे आर वर्क्ड बाई पीपल। तो जैसे लोग होंगे जो काम कर रहे हैं वैसा ही काम होगा। हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन उसको फॉलो कौन करता है। अभी आपने पढ़ा होगा कुछ साल पहले अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, वो रशिया गए हुए थे, बिहार में सरकार तो खतरा हो गया तो बिहार के गवर्नर ने रिपोर्ट भेज दी कि प्रेसिडेंट रूल लागू कर दो। कैबिनेट ने फैसला किया प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए। अब प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन तो प्रेसिडेंट को साइन करना है, तो वो फैक्स कर दिया गया मॉस्को, कलाम साहब ने साइन करके वापस फैक्स कर दिया, प्रेसिडेंट रूल लग गया। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल को हटा दिया, गवर्नर साहब को फिर बाद में इस्तीफा देना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटीज फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर द वाइस प्रेसिडेंट शैल डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटीज। पुराने जमाने में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राधाकृष्णन अमरीका घूमने जाते थे तो वो तो समुद्री जहाज में जाते थे, जाने में टाइम लगता था, फिर पूरे अमरीका में घूमते थे, 3 महीने बाद लौटते थे। उस बीच तक वाइस प्रेसिडेंट काम करते थे ताकि वो अगर हिंदुस्तान में है तो किसी से पूछ भी सकते हैं भाई ये गलत है कि ठीक है। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की जरूरत तो है नहीं, अब तो डिजिटल एज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तब काम करेगा और रिप्रेजेंटेशनल क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जब काम करेगा जब उसको काम करवाने वाले ठीक होंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी काम कर सकता है अगर उसको करवाने वाले ठीक हों। उसका क्या तरीका है ये कहा है, और ये लॉ कमीशन ने 1999 की अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब तक किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी उम्मीदवार को 50% से एक वोट कम से कम ज्यादा ना मिले तो उसको विजयी घोषित ना किया जाए। किसी को भी ना मिले तो ऊपर के दो कैंडिडेट्स को लेकर रन ऑफ इलेक्शन करवाया जाए। In 1997 मैं भूल रहा हूं नाम, वो डेट, वो इलेक्शन कमीशन ने 170th रिपोर्ट उसमें उन्होंने लिखा है कि एट दिस टाइम होल्डिंग ए रन ऑफ इलेक्शन मे अपियर टू बी डिफिकल्ट बट एज इट इज बी टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर लाइकली टू बी यूज्ड इन द नियर फ्यूचर then it will become far more easy। अब EVM यूज करते भी हमें 20 साल हो गए लेकिन 11% 6% 13% 25% पे जीत के लोग आ रहे हैं और वो सरकारें भी बना रहे हैं। तो एक तो रिप्रेजेंटेटिवनेस को ठीक करने की जरूरत है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि किन किन को ठीक करने की जरूरत है और कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है ये तो सबको मालूम है लेकिन उसको कोई करना नहीं चाहता। दूसरी बात एक ये है कि एक चीज होती थी राइट टू रिजेक्ट, कि आदमी एक उसकी बैकग्राउंड यह है, ये क्रिमिनल से भी इसका ताल्लुक है कि उन 2004 में 125 लोग थे लोकसभा में जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग थे। हमने 2002 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2003 में फाइनल आया था, तो 2004 पहला इलेक्शन था जिसमें ये नंबर हमें पता लगा। फिर हमने बहुत शोर मचाया, सब जनता जनार्दन को बताया, ये किया वो किया। 2009 का इलेक्शन आया, हमने सोचा शायद वो 125 से कम हो जाएं, वो 162 हो गए। फिर सोचा कि अब कुछ और किया जाए। 2014 का इलेक्शन आया,
वो 160 हो गए, नहीं 190 हो गए। तो ये जाहिर है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जिस तरीके से हमने उसको अटैक करने की कोशिश की उससे दूर नहीं होने वाला। इसको सोचने के लिए हमने ये सोचा कि मैं जहां यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूल्स में और रोटरी क्लब में और लायंस क्लब में जाता हूं, सबसे पूछता हूं, चलो आप लोगों से पूछ लेता हूं कि सरकार कहां से आती है। जी, जनता से आती है। बहुत अच्छा कहा आपने। ये सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, डेमोक्रेसी, ये मैं अंग्रेजी में कह सकता हूं, डेमोक्रेसी हैज सीप्ड इन सो डीपली इन द इंडियन साइकी दैट एवरी इंडियन थिंक्स ही और शी इलेक्ट्स द गवर्नमेंट। इन भाईजान ने कहा जनता से सरकार आती है। तो जब हम इलेक्शन में वोट देते हैं तो हम क्या ये कहते हैं कि सरकार कहां कौन सी होगी? आज आप ही का नंबर है। आप वोट जब देते हैं तो सरकार चुनते हैं। नहीं, ईमानदार अच्छा होगा तब देंगे ना। पहले तो ये बताइए, आप जब वोट देते हैं तो जिनको आप वोट देते हैं वो कहां से आते हैं? हाँ, ये जन हर बार में ये कहना जनता से, जनता से, जनता से, इसीलिए तो जनता का बुरा हाल है। पहले पार्टियां उम्मीदवारों को चुनती हैं। द चॉइस ऑफ ए वोटर इज प्री कॉन्स्ट्रेंड बाय चॉइसेस मेड बाय ए सेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये ठीक है कि गलत है? सो ये कहना कि जनता वोट कर रही है, जनता को चॉइस है, ये सही है कि गलत है? हम लोग एक एनालिसिस करते हैं जिसको कहते हैं रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तीन या तीन से ज्यादा उम्मीदवार क्रिमिनल केस वाले हों उनको हम कहते हैं रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसकी लॉजिक क्या है? बैलेट ईवीएम पे तो 15 कैंडिडेट हैं, उनमें से इतने कितने हैं कितने हैं जिनके जीतने की उम्मीद भी की जा सकती है? बताइए जी, एक या दो, ज्यादा से ज्यादा तीन और कभी कभी 3.5, जैसे यूपी में है कांग्रेस वाले जो होते हैं ना, उनकी भी थोड़ी सी उम्मीद होती है जीतने की। तो तीन सीरियस कैंडिडेट होते हैं। अगर उन तीनों के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं तो आपको चॉइस क्या है? पॉलिटिशियन लोग खड़े होकर कहते रहते हैं और टीवी पे कहते रहते हैं जब मेरा उनसे झगड़ा होता है कि जनता वोट देती है क्रिमिनल को। मैं उनसे कहता हूं कि आप क्रिमिनल को टिकट क्यों देते हैं? पहले टिकट दिया जाता है कि पहले वोट दिया जाता है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द चॉइस ऑफ ए वोटर इज प्री कॉन्स्ट्रेंड बाय द चॉइसेस मेड बाय ए सेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। प्रिंसिपल नंबर वन। प्रिंसिपल नंबर टू, मैंने अपनी पार्टी को 75 करोड़ रुपया दिया, 100 करोड़ लोगों को पिटवाया और मैं जीत गया इलेक्शन, संसद में जाके बैठ गया, बिल आया तो मैं उस बिल के फेवर में वोट करूं कि अगेंस्ट वोट करूं? मुझे चॉइस है? हैं? पार्टी व्हिप हो जाता है तो मुझे चॉइस? बिल्कुल नहीं है। सो द चॉइसेस टू बी मेड बाय द सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सो कॉल्ड, इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तो इस सरकार कहां से आती है और कैसे चलती है? आप चुनते हैं सर? भाई साहब आप चुनते हैं? अभी तो कह रहे थे मैं चुनता हूं। सो ये पॉलिटिकल पार्टियां ही करती हैं। देश में डेमोक्रेसी है, इंडिया इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया में बोलबाला है। डेमोक्रेसी चलाने वाली संस्थाएं कौन है? जरा ऊंचा बोलो यार, लाल स्वेटर वाले, पॉलिटिकल पार्टी। वो लोकतांत्रिक हैं? कोई भी है? ये तो लेफ्टिस्टों का गढ़ है,
लेफ्टिस्ट पार्टियां लोकतांत्रिक हैं? फिर तो नॉट ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इज डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये जो बिल्डिंग है जिसके पिलर्स खोखले हैं वो बिल्डिंग कितने दिन खड़ी रहेगी? सो फ्रेंड्स, द सिंगल मोस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म दैट द कंट्री नीड्स टुडे एंड हैज नीडेड फॉर द लास्ट 40 इयर्स इज पॉलिटिकल पार्टी शुड बी इंटरनली डेमोक्रेटिक इन देयर फंक्शनिंग. एंड इंटरनल डेमोक्रेसी इज नॉट के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया. इंटरनल डेमोक्रेसी तब होगी जब उम्मीदवारों का भी इलेक्शन होगा. अब ये साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी से अगर ये हो कि भाई ये 6 लोग हैं जो बीजेपी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनका 6 का इलेक्शन हो, उसमें बीजेपी के जो मेंबर हैं वो वोट दें, कैंडिडेट का चुनाव हो, ऐसे ही कांग्रेस का हो, ऐसे ही बीजेपी का हो, ऐसे ही जनता दल का हो. दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी इन अ पॉलिटिकल पार्टी. द सेकेंड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी इन दी सोसाइटी इज के वो 6 लोग जो ऐसे चुन के आए उनको सारे लोग वोट करें. दैट इज कॉल्ड इंटरनल डेमोक्रेसी. अच्छा, ये शोर मस्ता है, इलेक्शन में खर्चा बहुत हो रहा है. वो लिमिट तो थी उस वक्त 25 लाख पार्लियामेंट की, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. गोपीनाथ मुंडे जो थे उन्होंने 2014 के इलेक्शन से 2-4 महीने पहले बंबई में एक आम सभा में ये कहा कि उन्होंने 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे इलेक्शन में, लिमिट थी 25 लाख. हमने 2009 के इलेक्शन में 6753 उम्मीदवारों के इलेक्शन एक्सपेंडिचर एफिडेविट, शपथ पत्र विच आर स्वोर्न इन फ्रंट ऑफ अ नोटरी पब्लिक और इन अ कोर्ट, वो एनालाइज किए. आउट ऑफ 6753 4 पीपल सेड दैट दे हैड स्पेंट मोर देन द लिमिट एंड ऑफ कोर्स दे हैड लॉस्ट. 30 सेड दे हैड स्पेंट 90-95% ऑफ द लिमिट. 6753 - 34 इज, कैलकुलेटर चाहिए? 6719. मैंने अभी किया नहीं, मैंने रटा हुआ है, विच इज 99.999%. दे सेड दे हैड स्पेंट 45-55% ऑफ द लिमिट. एक तरफ तो ये डेटा है, यहां डेटा ड्रिवन रिसर्च भी बहुत होती है ना, एक तरफ तो ये डेटा है, दूसरी तरफ यह है कि हर वक्त शोर मचा रहता है कि इलेक्शन में खर्चा बहुत होता है, लिमिट बहुत कम है, लिमिट बढ़ाओ, और हर इलेक्शन में बढ़ती भी है. तो कौन सी बात सही है? खर्चा क्यों होता है? एक इलेक्शन में एक पार्टी ने एक कैंडिडेट को हैदराबाद से एयरलिफ्ट किया और मुरादाबाद में एयर ड्रॉप कर दिया. किसी को याद है कौन था वो? हाँ, तो हैदराबाद से मुरादाबाद आ गया कैंडिडेट बन के एक पार्टी का. तो उसने फिर कहा कि भाई मेरे फर्रे बांटो. तो 100 रुपये रोज का रेट था फर्रे बांटने का, कोई बांटने को तैयार नहीं हुआ. उसने 200 रुपये ऑफर किए, 300 ऑफर किए, कोई नहीं तैयार हुआ, क्योंकि जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो नाराज थे, भाई हमारे लोगों का क्या हुआ. फिर 2 हफ्ते बाद वो भी सीधे हुए, ये भी सीधे हुए, फर्रे बटे और वो जीते भी. कहने का मतलब यह है कि अगर कैंडिडेट ऐसे चुना जाए कि वहां के लोकल लोग डिसाइड करें कि ऐसे कैंडिडेट ये होना चाहिए, तो उस कैंडिडेट को खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये जो ब्लैक मनी है इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी. पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र हुए बगैर ना तो देश में राजनीतिक या चुनाव सुधार होगा और ना ही काला धन खत्म होगा. अरुण कुमार जी और बताएंगे इसके बारे में. सो फंडामेंटल रिफॉर्म इज इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज. द सेकेंड विच एक्चुअली विल फॉलो इज फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी. फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की कहानी बता के मैं अपनी बात खत्म करता हूं. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया 2005 में. 2006 में हम लोगों ने एक RTI एप्लीकेशन फाइल की कि सारी पार्टियों के इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपी हमें दे दो. तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में PIO थे
उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों से पूछा, एक थर्ड पार्टी का क्लॉज भी है आरटीआई में, पार्टियों ने कहा नहीं नहीं हमारी इन्फॉर्मेशन मत दो, ये तो पर्सनल है, उन्होंने मना कर दिया। हमने फिर अपील की, अपील भी रिजेक्ट हो गई, फिर दूसरी अपील की, सेकंड अपील सीआईसी में, तो सीआईसी ने बहस वहस सुनने के बाद कहा कि हाँ ये इनकम टैक्स रिटर्न तो दे देनी चाहिए, हमें मिल गई 2008 में। तो जब वो मिल गई तो हमने फिर उनको देखा तो पता लगा किसी पार्टी ने 400 करोड़ इनकम दिखाई है, किसी ने 600, किसी ने 800, किसी ने 1200, लेकिन टैक्स किसी ने नहीं दिया था। तो पहले तो हम बड़े खुश हुए कि भाई अब पकड़े गए ये, हम लोग अनजान थे, नादान थे। सेक्शन वो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 13A पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टियों को इनकम टैक्स से 100% छूट है। अब कानून सही है कि गलत है वो छोड़ दीजिए, कानून है। हमने कहा चलो कानून है तो कानून है। फिर उस कानून को जरा गौर से पढ़ा, तब तक मैंने LLB भी पास कर लिया था, तो उसमें एक प्रोविजो निकला कि प्रोवाइडेड दी एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल टू ओनली दोज पार्टीज विच मेंटेन ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड गिव ए स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस ऑफ मोर देन 20,000 रुपीज ईच टू द इलेक्शन कमीशन। तो हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास गए, वहां RTI एप्लीकेशन डाली, ये लिस्ट ली 20,000 से ज्यादा की डोनेशंस की, इस लिस्ट को जोड़ा और उसी पार्टी की जो एनुअल इनकम जो इनकम टैक्स रिटर्न में है डिक्लेयर्ड, अनडिक्लेयर्ड का तो खैर पता ही नहीं है, जो डिक्लेयर्ड इनकम है 20,000 से ज्यादा वाली डोनेशन सिर्फ 20-25% एक्सप्लेन करती है, बाकी 75-80% जो उनकी इनकम है वो कहां से आती है ये किसी को पता नहीं, आज तक पता नहीं। जब ये देखा तो हमने पॉलिटिकल पार्टियों को RTI एप्लीकेशन लिख के भेजी कि इस जो 75-80% इनकम है इसकी हमें सोर्स बताओ। तो सब ने कह दिया हम तो RTI में पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो हम नहीं जवाब देते इसका। हम फिर CIC के पास गए कि भाई इनको पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करो। CIC ने कहा ऐसे नहीं करेंगे, कुछ डेटा लाओ, वो भी डेटा ड्रिवन काम करते हैं। तो फिर हमने 2 साल तक बहुत सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में RTI एप्लीकेशन डाली, 2000 से ज्यादा, और डेटा इकट्ठा किया, जिससे ये पता लगा कि हजारों करोड़ पब्लिक का पैसा पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं। एक दो उदाहरण दे देता हूं। अकबर रोड पे और अशोका रोड पे दफ्तर हैं, वहां के एक मकान का किराया कितना होगा, मुनीरका में कितना है, एक सिंगल रूम बताओ, 7,000 रुपया एक सिंगल रूम का, अरे यार 3 ही लगा लो, 1,500 गज 1,500 गज 2,000 गज में कोठी है, उसका किराया कितना होगा, है ना 450 रुपया। तो वो जो बैलेंस है वो किसका पैसा है, एक पार्टी अपनी इनकम डिक्लेयर करती है 1,000 करोड़, टैक्स रेट कितना है 30%, कितना टैक्स बना वो नहीं दिया, वो किसका पैसा है, जनता का। तो जब ये सब ढूंढ के CIC को बताया, और ये डेटा हमने सिर्फ 6 पार्टियों को इकट्ठा किया जो नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस, BJP, CPM, CPI, NCP एंड BSP, उन 6 का इकट्ठा किया। तो CIC ने कहा ये 6 की 6, और उन हियरिंग्स में वकील आए, सीनियर एडवोकेट्स पार्टियों के बिहाफ पे, और कुछ नेता आए, मैं उन नेताओं के नाम बताना नहीं चाहता, उनको आप अच्छी तरह जानते हैं और कुछ की आप इज्जत भी करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उन्होंने CIC की हियरिंग में ये कहा कि वी आर मॉरली बाउंड टू बी ट्रांसपेरेंट बट वी आर नॉट विलिंग टू बी लीगली बाउंड टू बी ट्रांसपेरेंट। और बाहर निकल के मुझे कहा छोकर साहब आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा सर ये अंदर भी कह दीजिए। तो एनीवे CIC ने कह दिया कि ये 6 पार्टियां पब्लिक अथॉरिटी हैं। हमने फिर उनको RTI एप्लीकेशन डाली, कोई जवाब नहीं।
एक बार डाली, दो बार डाली, तीन बार डाली, कोई जवाब नहीं। फिर हम सीआईसी के पास गए कि आपके फैसले को ये लोग मान नहीं रहे हैं, इनका कुछ करिए, अपने फैसले को लागू करवाइए। तो अब ये अगली बात ऑफ द रिकॉर्ड है, हालांकि इस मीटिंग में ऑफ द रिकॉर्ड कहने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सज्जन वहां उस बेंच में हेयरिंग कर रहे थे उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने की उम्मीद थी। तो दो साल तक मामला लटका रहा, फिर हमने ज्यादा प्रेशर डाला तो उन्होंने लिख के दे दिया कि हम अपना फैसला लागू करवाने में असमर्थ हैं। उनसे फिर हमने पूछा ऑफ द रिकॉर्ड के साथ, अगर आप अपना फैसला लागू नहीं करवा सकते तो बैठे क्यों, इस्तीफा देके घर जाइए। एनीवे वो बात हो गई। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं अभी और ये कहा कि ये सीआईसी का फैसला है, इसको किसी ने कहीं चैलेंज नहीं किया, लेकिन उस पर अमल भी नहीं कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल दी गई, उसमें छह पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन और यूनियन ऑफ इंडिया को हमने पार्टी बनाया। तो जिस दिन उसके नोटिस इश्यू हुए उसके दो महीने बाद सबसे पहला जवाब यूनियन ऑफ इंडिया से आया। उसमें लिखा हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के अंडर नहीं होना चाहिए। हमें एतराज यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां तो हमारी नहीं है, हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, लेकिन सरकार तो हमारी है, एक नागरिक होने के नाते हमारी सरकार ऐसे कैसे कर रही है, लेकिन कर रही है। तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए तो यह हो रहा है, डेमोक्रेसी के बारे में आपने देख लिया क्या हो रहा है। तो ये जो जयप्रकाश नारायण जी की इच्छा थी टोटल रेवोल्यूशन और पीपल हैविंग ए से, मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि वेयर एवरी सिटीजन फील्स नॉट थिंक्स। वी ऑल थिंक वी इलेक्ट द गवर्नमेंट बट एवरी सिटीजन शुड फील दैट ही और शी हैज ए से इन हाउ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज रन। एवरी पर्सन कैन नॉट हैव ए से बट वी शुड फील दैट। जो मैं देख रहा हूं ज्यादातर लोग ये कहते हैं भाई हमें तो क्या पता क्या हो रहा है, और यही कहते हैं हो सकता है मैं गलत तरह के लोगों से बात करता हूं, लेकिन डेमोक्रेसी तभी ठीक होगी जब राजनीतिक दल ठीक होंगे। बाकी सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन फंडामेंटल नहीं है। सो माई सजेशन टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन इन दी मेमोरी ऑफ श्री जयप्रकाश नारायण इज पॉलिटिकल पार्टियों को ठीक करने का प्रयत्न होना चाहिए। जयप्रकाश जी तो कहते थे पार्टी लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इफ आई एम राइट। लेकिन मेरा यह ख्याल है विद ड्यू डेफरेंस टू हिम कि द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव, द काइंड ऑफ सोसाइटी एंड द पॉलिटी वी हैव, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बट वी नीड देम टू फंक्शन प्रॉपरली। और वो अपनी मर्जी से ये करने वाली नहीं है क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत हो गए हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों की एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप के वेस्टेड इंटरेस्ट का फिनोमेनन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये आप अमेरिका में भी देख रहे हैं, इंग्लैंड में भी देख रहे हैं, ब्राजील में भी देख रहे हैं, टर्की में भी देख रहे हैं, सारे दुनिया में हो रहा है। लेकिन क्योंकि दुनिया में आग लगी हुई है उससे हमें कोई फायदा नहीं, हमें अपनी आग बुझानी है। और आप लोग जो युवा लोग हैं, मैं अक्सर ये कहता हूं कि देखिए मेरी उम्र हो गई 72 साल, 3, 5, 6, 8, 10 मेरी पत्नियां बैठी हुई हैं इसलिए मैं ज्यादा बता रहा हूं, वो गुस्से हो जाती हैं भाई, चलो 10-15 साल जिंदा रह लिया उसके बाद तो नहीं रहूंगा, मुझे तो ये 10-15 साल भुगतना है, आप लोगों को कितने साल भुगतना है, इसका ख्याल करिए। लेकिन ये नहीं है कि कुछ होगा नहीं। बल्ली साहब बैठे हैं, एक किसी शायर ने कहा था, ये शेर मैं बार बार सुना रहा हूं आजकल, आनंद जी तो पहले भी सुन चुके हैं, जालिमो अपनी किस्मत पे नाजा न हो, जालिमो अपनी किस्मत पे नाजा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। थैंक यू।